हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अंदर हमने दो तरीके देखे जिससे कि कैपिटल एम कैन बी कैलकुलेटेड। पहला तरीका बार मैग्नेट में, तो बार मैग्नेट में कैपिटल एम हमने डायपोल मोमेंट कैसे निकाला, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, और दूसरा फॉर्मूला करंट कैरिंग लूप में निकाला, क्या करंट इंटू एरिया। तो दो तरीके से हमने कैपिटल एम निकाला। और फिर हमने क्या किया, जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के अंदर हमने एक्सियल लाइन पे बी निकाला, इक्वेटोरियल पे बी निकाला, और हमने टॉर्क निकाला और वर्क डन की वैल्यू निकाली जब एक मैग्नेटिक डायपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है। तो इसके बेस पे पहला न्यूमेरिकल है, टू आइडेंटिकल शॉर्ट मैग्नेट्स ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब छोटा एम की बड़ा एम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज बड़ा एम और पोल स्ट्रेंथ इज छोटा एम। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मतलब क्या गिवन है, कैपिटल एम गिवन है, दिस इज कैपिटल एम। नेक्स्ट है, आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर सेंटर्स। तो आपको क्या कह रहे हैं, वो दो आइडेंटिकल शॉर्ट मैग्नेट्स हैं, मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू गिवन है और सेपरेशन कितनी है, 10 सेंटीमीटर, सच दैट देयर एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक अगर मैग्नेट ऐसा है तो दूसरा मैग्नेट ऐसा है, बोथ मैग्नेट्स आर परपेंडिकुलर। तो आपको दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर गिवन है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मिडवे बिटवीन द टू मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स के मिडवे पे वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, क्या होगी। जब तक आप डायग्राम इमेजिन नहीं कर पाओगे आंसर नहीं आएगा। तो डायग्राम कैसा होगा इसका, ये देखो दो मैग्नेट्स हैं, चेक करो, पहला मैग्नेट ये रहा साउथ एंड नॉर्थ, दूसरा ये रहा साउथ एंड नॉर्थ, दोनों का एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, दोनों के सेंटर के बीच में दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मिड पॉइंट यहां कहीं होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सेंटर एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सेंटर, ऐसे ही होगा। अब इसके अंदर जहां पर भी आपको पी निकालना है, वो क्या कह रहे हैं, यहां पर बी निकालना है। आप मुझे एक बात बताओ, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहां पर होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ये पॉइंट इस मैग्नेट के कौन सी लाइन पे लाई करता है, एक्सियल लाइन पे लाई करता है। एक्सियल लाइन पे अगर कैपिटल एम इस तरफ है तो बी की वैल्यू इस तरफ है, तो ये क्या आएगा, बी एक्सियल। बी एक्सियल का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय ये जो भी डिस्टेंस है 5 × 10^-2 का होल क्यूब का होल क्यूब। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। उसी तरीके से ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ से नॉर्थ है। अब इसके इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पी पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पी पॉइंट है, और ये लाइन कौन सी लाइन कही जाएगी इसके लिए, इक्वेटोरियल, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल हुआ। और इक्वेटोरियल का क्या रूल था कि अगर कैपिटल एम इस तरफ है तो बी इक्वेटोरियल इस तरफ होगा। तो ये फॉर्मूला लगेगा बी इक्वेटोरियल का, ये लगेगा बी एक्सियल का, एंड बोथ आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो नेट बी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ बी V1² + B2²। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो ऑनलाइन भी क्लियर है यहां तक, यस सर, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला लगाना है एक्सियल का, 2 μ0/4π 2m/d³ या r³ जो मर्जी बोल लें। इक्वेटोरियल में फॉर्मूला क्या लगेगा, μ0/4π m/d³, और फिर एक्सियल आ गया, इक्वेटोरियल आ गया, और फिर अंडर रूट से इसका आंसर आएगा। ये पूरी असाइनमेंट जो है ये फॉर्मूला बेस्ड असाइनमेंट है, जस्ट टू प्रैक्टिस। इसके बेस पे एक और शीट दूंगा होमवर्क, मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो आज की मेथड देखो, अपनी शीट में ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो, अ बार मैग्नेट हैज पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ। एक बात बताओ कि पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ सिंबल बड़ा एम की छोटा एम,
छोटा m, राइट, स्मॉल m, विच आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट. तो दो पोल्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट हैं. व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट? मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है? कैपिटल m. कैपिटल m क्या होता है? स्मॉल m इनटू 2l. तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो ये स्मॉल m है और ये कितने सेंटीमीटर अपार्ट है? 25. तो ये 25 पता है क्या गिवन है? 2l. तो 2l का मतलब 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2. क्लियर है? तो ए पार्ट में कैपिटल m क्या होगा? स्मॉल m इंटू 2l. स्मॉल m पता है, 2l पता है, आंसर आएगा. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो ये आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस मैग्नेट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री है ये 300 नहीं है 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ डेंसिटी 0.15 टेस्ला. तो आपको टॉर्क निकालना है. एक बात बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैट्स में टॉर्क का फॉर्मूला याद कर लो. क्या था? पी टी साइन थीटा. इसमें क्या होगा? एम बी साइन थीटा. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखो प्लीज. बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट का मतलब क्या गिवन है? छोटा एम की बड़ा एम? बड़ा एम गिवन है. इसके यूनिट पे मत जाएं, इसके यूनिट इसके जो यूनिट हैं ये बाद में देखेंगे. लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो बी के साथ अलाइंड है. तो बी और मैग्नेट के बीच में एंगल कितना है? जीरो. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्न दी मैग्नेट ताकि नॉर्मल टू दी फील्ड हो जाए. तो पहले एंगल जीरो, अब एंगल कितना? 90. तो फॉर्मूला क्या था? एम बी कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू. थीटा वन कितना? जीरो. थीटा टू कितना? 90. एक आंसर आ गया. और वो कह रहा है इसमें टॉर्क कितना लगा आपको करने के लिए? टॉर्क के लिए एम बी साइन थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी? 90. क्लियर है यहां तक? सर्कुलर कॉयल ऑफ 50 टर्न्स एंड रेडियस गिवन कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर. क्या निकालना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल. तो बी का फॉर्मूला सबको पता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर. और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बोलो इसमें. करंट इंटू एरिया. करंट कैरिंग वायर है तो करंट इंटू एरिया और नंबर ऑफ टर्न से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करंट इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स. क्लियर है? इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ आर गिवन.
कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन. तो ये 10 की पावर 9 है, चेक करो. तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो करंट की कंट्रीब्यूशन क्या होगी? चार्ज अपॉन टाइम. तो चार्ज अपॉन टाइम में टाइम पीरियड क्या होगा? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो इसमें क्या लगेगा? इसमें यहां पर कैपिटल एम क्या है? करंट इंटू एरिया. तो यहां पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का पता है, टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और पाई ऑफ स्क्वायर से आर पता है. यहां से कैपिटल एम कैन बी कैलकुलेटेड. टू मैग्नेटिक पोल्स, दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, वन ऑफ विच इज 4 times स्ट्रॉन्गर देन दी अदर. यानी कि जो एक पोल स्ट्रेंथ है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ पोल स्ट्रेंथ एक की m है, तो दूसरे की कितनी है? 4 m है. और इनके बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी है? 5 ग्राम फोर्स. ग्राम फोर्स क्या होता है? 5 × 980 dynes. तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? न्यूटन में. तो आपको कितने सेंटीमीटर अपार्ट गिवन है? 10 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो आपको स्मॉल m निकालना है. तो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या किया था? म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 इनटू m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर. r पता है, f पता है, m कैन बी कैलकुलेटेड. तो कूलम लॉ इन मैग्नेटिज्म समझ में आ रहा है कैसे लगेगा? इसमें दो पोल्स गिवन है m और 4m, और आपको m की वैल्यू निकालनी है, और इनके बीच में फोर्स गिवन है और r भी गिवन है. तो यहां से सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f. कोई डाउट इसमें? ठीक. मैग्नेटिक पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ 25 एम्पीयर मीटर एंड 64 एम्पीयर मीटर. मैग्नेटिक पोल्स का मतलब पोल स्ट्रेंथ गिवन है, स्मॉल m की वैल्यू गिवन है, दोनों आर सिचुएटेड 1 मीटर अपार्ट, m गिवन है, r गिवन है. एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू पोल्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो. ये तो ऐसा है जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है. तो जिसके अंदर हम क्या करते थे, जिसके अंदर ये देखो, तो एक आपको m1 पता है, एक आपको m2 पता है 64, और आपको इनके बीच में डिस्टेंस भी पता है, 1 मीटर डिस्टेंस पता है. मान लो ये वो पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ x, तो ये कितने है? 1 माइनस x, जहां पर नेट बी क्या है? 0. जहां पे बी निकालना है वहां पोल स्ट्रेंथ क्या इमेजिन करनी है? प्लस. और पोल कौन सा? नॉर्थ. तो इसके अंदर टू लाइक मैग्नेटिक पोल्स है. लाइक का मतलब या तो दोनों नॉर्थ नॉर्थ है या दोनों साउथ साउथ है. तो इसके अंदर कैसे करते थे? इसमें ऐसे करते थे, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल म्यू नॉट बाय 4 पाई 25 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, और ये इसे क्या करता है? रिपेल म्यू नॉट बाय
फोर पाई इंटू 64 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल, तो इन दोनों को क्या कर लेना है, इक्वेट आंसर. कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ठीक है. इसे देखो एक बार. A short bar magnet has a magnetic moment of, क्या गिवन है, कैपिटल M. Give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 centimeter from the center of the magnet on the axis. कौन सा फॉर्मूला? B axial और equatorial line. तो आप axial का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई d क्यूब. और इक्वेटोरियल में नहीं यूज करेंगे, एक्सियल को हाफ कर देंगे, इक्वेटोरियल का आंसर अपने आप. क्लियर है यहां तक? इसे देखें. Two short bar magnets of magnetic moments 96 and 81. तो क्या given है? Magnetic dipole moment capital M given है. Are placed mutually perpendicular. तो जैसे तो वैसी first question की तरह ही है. 90 degree पे magnets पड़ी हुई हैं. Find magnitude and direction of B magnetic field at point P. अगर P point का distance 1 से 0.4 meter है और 1 से 0.3 meter है from their centers. तो वो मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन था. ये मिड पॉइंट पे नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन है. दो मैग्नेट परपेंडिकुलर है फिर से, और एक से 4 सेंटीमीटर दूर और एक के सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर आपको भी निकालना है. ऐसी बनेगा ना, इसके सेंटर से 4 इधर ये पॉइंट आएगा, इसके सेंटर से 3 यहां ये पॉइंट आएगा. क्लियर है यहां तक? तो फॉर्मूला बताओ क्या लगेगा. ये कौन सी लाइन है? एक्सियल. तो यहां पर क्या लगेगा? बी एक्सियल. अच्छा, इसके लिए ये वाला पॉइंट क्या है? एक्सियल. तो यहां पर भी क्या लगेगा? बी एक्सियल. तो इक्वेटोरियल लगेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि दोनों मैग्नेट के लिए ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे लाई करता है. तो दोनों का एक्सियल, एक्सियल का फॉर्मूला लगा के अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज द आंसर. तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है कि कैसे करना है इसमें? यस सर.